मैंने ना कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे बिगनर्स भी हैं, जब भी वो ड्राइंग करते हैं ना तो अपने पेपर को मूव करते हैं, जैसे जैसे उनको शेडिंग करनी होगी या ड्राइंग करनी होगी ना, अगर उन्होंने कुछ इस तरीके से अगर एक लाइन खींच ली ना, कर्व लाइन खींची, उसके बाद अगला जो इधर का मूव करना है ना, तो फिर उसको पेपर को ऐसे मूव करके फिर ऐसे बनाते हैं, फिर आगे का जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से करके, और ये तो इससे क्या होता है ना कि आपका हैंड जो होता है ना वो किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ही स्टक होके रह जाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं कुछ इस तरीके से। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ ऐसे मूव करना हो, इधर मूव करना हो, ये मूव करना हो, तो आप नहीं कर पाते, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आप वही आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आने वाले जितने भी हम ड्राइंग करेंगे, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक और भी बहुत सारे जो ड्राइंग करने वाले, उसमें ना आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो, हमेशा आपको मूव करना होता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? और दूसरा ये कि कई बार देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो आई ड्रॉ करते हैं और राइट आई बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं, और वही चीज़ें जब लेफ्ट आई ड्रॉ करना होता है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और जितना भी मैंने देखा है ना कि वो लोग राइट आई ही ड्रॉ करते हैं मोस्टली, और ये कर्व बताया मैंने, कुछ इस तरीके से कर्व बताया, तो बस इतने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, बाकी का मूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे शेडिंग है, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे करनी हो, अब नीचे से ऊपर ले जाना हो तो नहीं कंफर्टेबल होंगे, तो क्या करेंगे, इसको पेपर को ऐसे मूव कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे शेडिंग करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इनिशियल डेज से। अब हमारा तो क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो होने वाले हैं और आने वाले हैं और जो होते हैं, वो सब दूर करूँगा मैं। तो यहाँ पे एक शेडिंग टेक्निक मैं बताऊँगा जो मैंने खुद से जनरेट किया है, और वो सब कुछ उसमें आ जाता है। एक एक्सरसाइज ऐसा है ना जो शेडिंग में जो आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं, जितने भी आपके फॉल्ट्स हैं और आपका जो फ्यूचर है ना, वो उस पे ही डिपेंड करता है, उस शेडिंग टेक्निक पे। वो आप कर लोगे ना तो कोई भी शेडिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो किचन में मिल जाता है, लेके आ जाना। और यहाँ पे एक स्केल की भी जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, और यहाँ पे ना बड़ा जो प्लेट है ना उसका हम लोग यूज करेंगे बड़ा सर्कल बनाने के लिए, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है या बाउल है ना उससे छोटा सर्कल बना लेंगे, कुछ यही रेशियो होना चाहिए। अब चाहिए स्केल, स्केल का यूज करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, और एक वर्टिकल लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जब ये बना लोगे ना तो आपको एक प्लस का साइन मिल जाएगा। अब कैसे शेडिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना है ये भी पता चलेगा। ये एरो क्यों बन रहा है, इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो शेड करेंगे ना उस वे में करेंगे। और ये तो हो गया एक साइड से क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, दोनों तरफ की प्रैक्टिस करनी है बिना पेपर पेंसिल मूव किए हुए। पेंसिल तो मूव करना है लेकिन पेपर मूव नहीं करना है। और यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि सेंटर से एरो बनाई, यानी कि हमारा पेंसिल का जो फ्लो है उस तरफ जाना चाहिए, जैसा एरो बना हुआ है उसी एरो से आपको पेंसिल को लेके जाना। पहले क्या करना है, आपको सेंटर में अगर आपने पेंसिल रखा, पेंसिल रख के आपको प्रेशर देना है आगे की तरफ, जैसे वो पेंसिल को रिलीज करोगे बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए, तो एक शेड क्रिएट होगा और इसका जो इम्पैक्ट है ना लास्ट में आपको दिखेगा एकदम ब्यूटीफुल, आपको एक शेडिंग का जो नज़ारा है ना वो भी आपको दिखेगा। इससे क्या होगा ना, हर तरीके की शेडिंग आप कर लोगे, कर्व लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है, हर तरीके, क्लोज है, ओपन है, लॉन्ग है, हर तरीके का। और ये अगर आपने कर लिया ना तो आप कोई भी शेडिंग हो ना, किसी तरीके की शेडिंग हो, रियलिस्टिक हो, हाइपर रियलिस्टिक हो या फिर आर्टिस्टिक हो, हर तरीके की आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लाइंस इसलिए बना रहा हूँ ना, जो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि हमारा पेंसिल का फ्लो वैसा ही जाना चाहिए। जहाँ से भी स्टार्ट करो आपको लाइन जो है ना वो सेंटर की तरफ आना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, यही करना है हमें। क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा हूँ, और जो सेंटर में देखोगे ना एक अच्छा फॉल ऑफ भी बन के आ रहा है, एकदम ब्राइट है सेंटर में, और दोनों किनारे की तरफ से ना थोड़ा डार्क है। यही करना है चारों तरफ से, जो भी आप देख रहे हो, राइट लेफ्ट जो भी है ना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि हम लोग पेंसिल तो पकड़ के रखे हैं लेकिन हम लोगों ने ना पेपर को मूव नहीं किया है। और जितने भी बिगनर्स हैं ना उनके लिए है ये प्रैक्टिस कि पेपर को मूव नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक वे में, जैसे आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ला रहे हो ना, तो उसमें आपको एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सबको जो भी मैं फ्लो कर रहा हूँ सब सेंटर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि आपका सेंटर पर ना जाए लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी ही है आपको।
आपको दूसरी तरफ से कोई भी लाइन नहीं लेके जानी है, सिंपल और सिंपल तरीके से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। यही जो है ना, आपको एक अच्छा सा एक डेप्थ भी मिलेगा यहाँ पे किनारे किनारे, और सेंटर में ना आपको डार्क दिखेगा और बाकी जो सेंटर में जो है ना वो फॉल ऑफ क्रिएट हुआ है। और इसके सबसे अच्छा एग्जांपल ये है ना कि आप हेयर ड्राइंग करते हो ना, तो यही आपकी प्रैक्टिस करने वाला आई के लिए है, आपका आईलैशेस के लिए है, आईब्रोज के लिए है, इनफैक्ट स्किन टेक्सचर के लिए है, हर जगह फ्लावर ड्राइंग के लिए है। ये अपने आप में एक फ्लावर जैसा लुक आएगा। तो देखो, अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस तो कर ली है, अब बारी आ जाती है कर्व लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए। और इसमें ना सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। ये ट्यूटोरियल देख लो, ये प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसमें करना क्या है, आपको पॉइंट रखना है उस लाइन पे और उसको कर्व में लेके जाना है आगे की तरफ। इसमें भी प्रेशर देना है। यहाँ पे क्या करना है कि जब आप डॉट रखोगे वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे जैसे आप पेंसिल को रिलीज़ करोगे आगे की तरफ ना वो बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से करना है। ये तो हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। और जब भी हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे ना, मतलब दूसरे सेक्टर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें यही करना है और दोनों तरफ से करना है। डिफ़िकल्टी आएगी, फॉर श्योर आएगी। जब मैंने भी किया था तो मुझे भी आई थी, इनिशियल डेज में ये आना ही चाहिए। इनफैक्ट जो अच्छे कर रहे हैं ड्राइंग, हो सकता है कि पेपर मूव करते हो, लेकिन उनको भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस कर लिया है उनको भी कर रहे हैं, और ये कर लेने से ना आपकी ड्राइंग आपको पहले दिन से ही बेनिफिट मिलने लगेगा। ये टेक्निक आप कर लो, आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैंने जब ये ड्राइंग की थी ना, जब इसका प्रैक्टिस किया था, उसके पहले मैंने एक हेयर बनाया था, और इसके बाद जब हेयर बनाया ना, तो मुझे बहुत, मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज होता है ना, वो मुझे मिला था। ये कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा मैं, और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा जो हेयर का मैंने ड्रॉ किया था। ये वाला शेडिंग टेक्निक आप कर लो। पेंसिल जो है आप पहले 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, उसके बाद 6B या 4B पेंसिल यूज़ करके उसमें और डार्कनेस लेके आ सकते हो। जैसा ये एग्जांपल देख रहे हो ना कि यहाँ पे इसी शेडिंग टेक्निक की वजह से मैंने ये आउटपुट अचीव किया है। जो भी आप देख रहे हो, फ्लावर ड्राइंग होगी, आई ड्राइंग होगी, जिस तरीके की भी ड्राइंग करोगे सब में ये हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर स्लो वर्जन चाहते हो इसका तो आप लास्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे D1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को।